जय श्री स्वामीनारायण, जय श्री स्वामीनारायण, जय श्री स्वामीनारायण, जय श्री स्वामीनारायण। मंचस्थ संतगण एवं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और आप सब हिंदू, देखिए आज मांडवी के इतिहास में यह प्रथम घटना है जब राम और घनश्याम एक साथ नगर में घूमने निकले थे, तो हमारे लिए ये गर्व का विषय है। देखिए विश्व हिंदू परिषद और हिंदू युवा संगठन ये कोई गुंडों का संगठन नहीं है। हमने हमेशा समाज को जोड़ने का कार्य किया है, तभी हमने राम और घनश्याम को जोड़ के हिंदू समाज को एक होने का संदेश यहां से दिया है। भगवान श्री राम जब वो इस धरती पर प्रकट हुए तब भी उन्होंने हिंदुओं को एक करने का कार्य किया, रावण रूपी असुर का संहार किया, और भगवान श्री स्वामीनारायण जब वो प्रकटे तब हिंदू समाज में कुरीति रिवाज थे, सती प्रथा थी, ऐसे हजारों रिवाज हम लोगों में थे जो इस समाज को दीमक की माफिक खा रहे थे। उससे इस समाज को उन्होंने बाहर निकाला, तो राम और घनश्याम दोनों हिंदू एकता के प्रतीक हैं। परंतु देखिए उस युग में एक रावण था, इस युग में करोड़ों रावण है, तो रामों की आवश्यकता है। यहां पर ज्यादा से ज्यादा युवा राम और घनश्याम के रूप में बाहर आए ताकि रावणों का संहार हो। रावण केवल विधर्मी नहीं है, रावण धर्मी भी है, क्योंकि रावणों से हमें बच के रहना है, तभी हमारी बहन माताएं सुरक्षित रहेगी। लव जिहाद इस समाज को खाई जा रहा है। अभी दो दिन पहले ही बाबड़ाई गांव में गाय माता के ऊपर प्रहार किए गए, उनको मारने की कोशिश की गई। तो देखिए ये जो एकता वाले लोग हैं, हिंदुओं की गाय को मारेंगे, हिंदुओं की बहन बेटियों को उठाएंगे, और जब बात एकता की आएगी तब कहेंगे कि हम सब एक हो जाएं। ये जो लव जिहाद है वो विश्व हिंदू परिषद का एजेंडा है, हम तो हिंदुओं के साथ भाईचारे से रहना चाहते हैं, तो इन लोगों को भी हमें जानना पड़ेगा। और फिर मैं एक बार और आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई यहां से हम लोहार चौक जाते हैं तो लोहार चौक मांडवी में आता है या पाकिस्तान में? मांडवी मांडवी में आता है। अभी भी कुछ लोगों को शक है कि शायद वो पाकिस्तान में आता है। लोहार चौक मांडवी में आता है या पाकिस्तान में? मांडवी मांडवी में है लोहार चौक, लेकिन यहाँ से हमारी रैली लोहार चौक से नहीं निकल सकती। योगी तो यूपी में आ गए, केपी स्वामी जी योगी तो यूपी में आ गए, लेकिन मांडवी से, मांडवी के लोहार चौक से हिंदुओं की रैली नहीं निकल सकती। भाई क्या वो पाकिस्तान है? अगर ईद का जुलूस आजाद चौक से निकल सकता है तो हिंदुओं की रैली लोहार चौक से क्यों नहीं निकल सकती? क्या हिंदुओं के जय श्री राम बोलने से कोमवर फैल जाता है, या हिंदू युवा संगठन को रैली निकालने से कौमी वातावरण खराब हो जाता है? तो यहां से मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये सही है? नहीं, नहीं है, गलत है ये। तो इससे समाज जागरूक हो। देखिए मेरा काम बोलना है, मैं कर्तव्य अपना करता हूं, इसमें मुझे किसी का भय नहीं है। एक केस हो गया है और भी कर ले, हिंदू समाज का पुत्र हूं, हिंदू समाज के लिए फांसी पर भी चढ़ूंगा। क्योंकि ये कार्य हिंदुत्व का है। अगर लव जिहाद पर बोलने से किसी की भावना आहत होती है तो मैं लव जिहाद पर बोलूंगा, अगर गौ हत्या पर बोलने से किसी की भावना आहत होती है तो मैं गौ हत्या पर बोलूंगा,
कश्मीरी पंडितों को सरेआम 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को भगाया गया है, उस पर अगर बोलने से कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता तो मैं बोलूंगा, अच्छा नहीं लगता तो उनकी दिक्कत है, मेरी नहीं, क्योंकि मैंने किसी धर्म और संप्रदाय को कभी टारगेट नहीं बनाया है। फिर भी कुछ लोग को यह लगता है कि भाई रघुवीर सिंह कच्छ की कौमी एकता को खराब कर रहा है। अरे हिंदुओं की बेटियों को उठाओ, गौ हत्याएं करो, उनके साथ चीटिंग करो, और जब कोई बोले तो कच्छ की कौमी एकता खराब होती है, क्या ये सही है? नहीं भाई, आईएस AK-47 लेके गुजरात में आ गया है और उसके कनेक्शन गांधी धाम तक पकड़े गए हैं, और रघुवीर सिंह जाडेजा एक रिवॉल्वर रखता है तब भी लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो क्या करना चाहिए मुझे, क्या समाज के लिए कार्य नहीं करना चाहिए? आज हिंदू समाज यहाँ से डिसीजन लेके मुझे कार्य करना चाहिए या नहीं? करो, आगे बढ़ो। तो ये सारी दिक्कतें हैं, ये जितने भी प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा मेरी बातों से, लेकिन जब प्रश्न हिंदू समाज का आएगा मैं बोलूंगा। राम और घनश्याम का ये त्योहार है, आप सबने खूब अच्छी तरह से मनाया, पर अब भी कहीं एकता की कमी दिख रही है। हम सब संगठित हो जाए, ये लोकशाही है, ये प्रजा से चलती है, प्रजा सर्वोपरि है, यहाँ और कोई सर्वोपरि नहीं है, तो किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन जब धर्म की बात आए तो निर्भय होकर, लीडर होकर घर से बाहर निकलो, तभी हमारी आने वाली बेटियां सुरक्षित रहेगी, वरना ये लोकशाही और ये भाईचारे का माहौल धीरे धीरे हमें धर्म से विमुक्त कर देगा। वही हमारा भाई है जो हिंदू को भाई मानता है, जो हिंदू को काफिर मानता है वो हमारा दुश्मन है, और दुश्मनों के साथ दुश्मनी का ही व्यवहार किया जाएगा। तो यही आप सबसे मैं आज कहना चाहता था, आप सबने इसमें सहयोग दिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आप सबका धन्यवाद। फिर से एक बार हम जय श्री राम का नारा बोलेंगे, जय